तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं आपका प्यारा गगन 98। तो गाइस सेकंड ब्लॉग शुरू हो चुका है। तो गाइस सुबह के 5, मतलब कि अभी जो फिलहाल गाइस 5 बजे का टाइम होने वाला है, ठीक है। पर हम उठे तो गाइस 3 बजे थे, ठीक है। नहा नहो के ठंडे पानी से गाइस बिल्कुल तैयार व्यार हुए, पगड़ी बांधी, ठीक है। और गाइस अभी हम चलने की तैयारी है, ठीक है। तो गाइस हमारा जो गुरुद्वारा है श्री गोविंद धाम, ठीक है। तो इधर से गाइस हम चलने वाले हैं हेमकुंड साहिब की तरफ, ठीक है। तो गाइस तो इधर से अब यात्रा हमारी शुरू होने वाली है सुबह सुबह। तो भाई लोग जैसे कि इधर ठंड बहुत होती है, ठीक है। गाइस इस बार थोड़ी ठंड कम थी वैसे फिलहाल, तो फिर भी सही था। तो वैसे ऊपर की यात्रा शुरू करने वाला है। तो गाइस 6 किलोमीटर का जो ये सफ़र है गाइस, इसमें गाइस पूरी थकावट हो जाती है। देखो बस ऊपर पहाड़ दिख रहे ना जो, वैसे उनके ऊपर जाना है। इधर से गाइस शुरुआत हो जाती है। तो गाइस आज इस वीडियो में गाइस हम आपको हेमकुंड साहब के दर्शन करवाएंगे, ठीक है। गाइस जिन्होंने नहीं किए तो गाइस आप ऐसे भी कर सकते हो रास्ते के। तो गाइस शुरुआत होती है गाइस इस छोटे से पुल से। और गाइस आपको पता है कि यात्रा में जैसे कि थोड़ा थकावट हो जाती है, तो गाइस ऐसी बातें करते सफ़र निकल जाता है। तो गाइस पूरे ऊपर चढ़ने में गाइस मेरे को लगे थे 4 घंटे, ठीक है। मेरे को गाइस वो गाइस जूम करके दिखाता हूँ आपको, नीचे दिखो गाइस कितने नीचे से हम आ रहे हैं। और गाइस देखने में शायद आपको ईजी लग रहा होगा, पर गाइस उसमें गाइस पूरी पावर लग जाती है, बंदा का फ्यूज उड़ जाता है बंदे के। तो गाइस इस सफ़र को गाइस मतलब कि ऊपर पहुंचने तक गाइस मेरे को लगे थे 4 घंटे, उतरने में गाइस लगे थे 2.5 घंटे, क्योंकि गाइस मैं बिल्कुल आराम से गया था, देख लो गाइस। और गाइस जो मतलब फास्ट जाएगा थोड़ा आधा घंटा पहले पहुंच जाएगा। तो गाइस दिख पा रहे हो सभी बंदे, देखो गाइस कितने धीरे धीरे आ रहे हैं। और गाइस इधर का व्यूज़ देखो। तो गाइस ऊपर हम पहुँच चुके हैं, गाइस ऊपर मैं पहुँच चुका था 8:30-9 बजे के आसपास, ठीक है गाइस। तो गाइस इस जगह पर गाइस 2 अरदास होती है, तो गाइस अरदास के अंदर हमें आना जरूरी होता है। तो गाइस मैं 9:30 बजे वाली अरदास के अंदर आ जाऊँगा, और गाइस आपको अंदर से हमारा गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब दिखाता हूँ। तो गाइस इस बार इतनी स्नो नहीं पड़ी, मतलब बर्फ़ नहीं पड़ी, पिछली बार गाइस बहुत बर्फ थी इधर, ठीक है। इस बार गाइस गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो गई, इसलिए आपको पता है इस बार गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है। और आगे दिखाता हूँ, ये गाइस हमारा गुरुद्वारा है, और आगे गाइस हमारा है सरोवर जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। बस इतना ठंडा पानी होता है कि अगर आप इसके अंदर एक बार डुबकी लगाओगे ना, तो गाइस आपके सांस बंद हो जाएंगे, ठीक है। बस लोग एक दो डुबकी लगाते हैं, कुछ लोग 5 लगा लेते हैं, पर गाइस उसमें पूरी गाइस मतलब कि सर्दी लग जाती है, सांस आना बंद हो जाता है। तो वो सामने का हमारा वो श्री हेमकुंड साहब का सरोवर, कैसे यहाँ पर लोग स्नान करते हैं हमारे, ठीक है संगत। तो बस इस वीडियो में कैसे थोड़ा कुछ लैंग्वेज की दिक्कत आ रही है मेरे को थोड़ी सी, अगर कैसे बोलने में कोई दिक्कत आ रही है, गलत बोला जाए तो कैसे माफ़ करना, क्योंकि हमारी पवित्र जगह है। तो कैसे पवित्र जगह में कुछ गलत बोला जाए तो बस माफ़ करना। और कैसे ये हमारा सरोवर है, और कैसे अभी हम आपको अंदर के दर्शन करवाते हैं, ठीक है, गुरुद्वारा के। और देखो गाइस क्या ही गाइस मौसम देख रहे हो, इतनी यहाँ पर पूरी बर्फ़ हो जाती है गाइस। तो गाइस ये हमारा गुरुद्वारा अंदर से ऐसा है, देखिए, और वाहेगुरु का नाम लीजिए। तो गाइस अंदर के बारे में तो गाइस मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो गाइस हम आधा घंटा अरदास में गाइस मतलब अरदास के अंदर यहाँ पर आधा घंटा बैठे थे, अरदास के अंदर शामिल हुए थे, और फिर आराम से नीचे की तरफ चले गए थे, ठीक है, हमारे घर की तरफ। पर गाइस यहाँ पर बैठ के गाइस सरोवर में स्नान करके गाइस क्या ही शांति मिलती है यार। तो गाइस अरदास हो चुकी थी, गाइस अरदास के बाद गाइस इधर से मैंने सोचा कि चलो इधर का व्यू भी ले लेते हैं एक साइड में। तो गाइस देखो गाइस ऊपर का 7 निशान साहब है छोटे छोटे, ठीक है गाइस, मतलब काफ़ी बड़े हैं, दूर से छोटे छोटे लगते हैं, किसी किसी को दिखते हैं वो। और तो गाइस मतलब कि जे ब्लॉग ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा, आपको पता ही है। तो गाइस एक बात और, जिन्होंने अभी तक गाइस लाइक नहीं किया लाइक करो, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आप नहीं करते, ठीक है भाई। तो भाई लोग जो ये ब्लॉग इधर ही ख़त्म हो रहा है गाइस, ठीक है, लगभग आपके सामने व्यूज़ हैं सब। और गाइस अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो गाइस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर कभी आपके लिए सब ब्लॉग लेके आएंगे, कहीं घूमने गए, ठीक है, यात्रा पर गए। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।